और बहुत बहुत धन्यवाद WMNC 2021 में विजिट करने के लिए। कुछ बताइए अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या करते हैं आप? सर मेरा नाम नरेंद्र मांडिल है, मैं दूध डेयरी व्यवसाय संघ में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। चूँकि डेयरी सेक्टर में FSI के द्वारा अभी कुछ भ्रांतियाँ काफ़ी हद तक चल रही हैं, जैसे कि कई इलाकों में जो अभी इनके जो मानक हैं तो वो मानक अभी काफ़ी हद तक अभी पूरे हो ही नहीं रहे हैं, जिसमें कि व्यापारी चोर कहलाया जा रहा है। जैसे कि दूध में SNF नहीं बैठ रही है, ये जो इनकी जो ये सैंपलिंग की पद्धति है वह भी बहुत पुराने ज़माने की चली आ रही है। जिस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर एक फॉर्मूला डालते हैं उसको प्रयोग करने के लिए, तो एक रिसर्च भी इस तरह की आ गई है कि वो फॉर्मूले से हमारे सारे सैंपल ख़राब हो रहे हैं। इससे व्यापारी अच्छा होता हुए चोर कहलाया जा रहा है। तो चूंकि मैंने इस संबंध में एक ग्वालियर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक बात भी प्रस्तुत किया हुआ है दूध डेयरी व्यवसाय संघ के द्वारा, और जिसमें FSI के जवाब भी आ गए हैं। आज सब चीज़ों के जैसे माँ बाप वगैरह वगैरह हम सभी चीज़ें लेते हैं तो माँ बाप का एक ही फेंट दिया है, जबकि कईयों तरह के दूध हैं, कईयों तरह के जानवर हैं, किंतु उसका एक ही फेंट परसेंटेज दिया हुआ है। तो उसके लिए भी अभी हमने लिखा हुआ था उनको, तो FSI को उसने जवाब दिया है कि साहब आप कुछ भी मिलाइए, मतलब भाई किसान कहाँ से मिलाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि मतलब व्यापारी चोर नहीं है तो चोर बन रहा है। वेल सर, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या है। आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? भाई मेरे सोल्यूशन ये, जैसे मावे का ही है तो उसके आप अलग अलग तीन माना कर दीजिए ना भाई, मीडियम फैट हो गया, लो फैट हो गया, हाई फैट हो गया। आज की तारीख में तो डॉक्टर भी कहता है लो फैट खाइए, तो आप उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर उस जमाने के लेकर क्यों चल रहे हो? पुराने जमाने का खान पान था, सारी चीज़ें थी, वो आज तो है नहीं है। तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को रिवाइज करना चाहिए। वेल मैं डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बहुत आगे तक जाए और गवर्नमेंट तक। नहीं, मुझे उम्मीद है पूरी की ये आवाज़ जाएगी और उस पर काम होगा 100%। सर जी, सर आज इस एक्सपो में आए हैं आप, जैसे कि मिठाई नमकीन का ही एक्सपो है, आपको क्या लगता है कि पेंडेमिक के बाद किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है सारी की सारी? देखिए सर, जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और इसमें बल्कि मेरा कहना तो ये है कि ये छोटे व्यापारियों को आनंद हो रहा है। जो एक पहले आदमी काम करना केवल एक कढ़ाई कौचे लेके काम करने लेता था और एक जो पढ़ा लिखा नहीं था वो अपनी गृहस्थी चला भी लेता था, किंतु जिस तरह से आज जो ग्रो हो रहा है वह उसके लिए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि छोटे व्यापारी और छोटा किसान क्या करे। ये इसका इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है कि अभी तो ये खोमचा लगा के अपना ठेला अपना चला ली, सर अपनी रोजी रोटी कर ली, किंतु वो आगे क्या करेगा। वेल सर, इसीलिए एसोसिएशन बन रही है, इसीलिए FSNM बना है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी राहत मिले जो छोटे हैं आगे जाके बड़े हो। मैं मेरा कहना भी इसमें वही है कि जो चूंकि दूध डेयरी व्यवसाय संघ है जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, छोटे छोटे लोगों को हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के ना ही उनको अवेयरनेस करा रहे हैं। मेरा GY यूनिवर्सिटी के साथ में ग्वालियर में अभी इसी विषय को लेकर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी अभी करने में जा रहा हूँ, जिसमें कि अभी होता क्या है कि जैसे आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा दिया, आपने फूड टेक्नोलॉजी करा दी, किंतु ये बेसिकली क्या है? अभी आज की तारीख में हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ही निर्भर हैं। मतलब जब अगर हमको अगर 1500 खाना बनाना होता है तो हमको उसी को बुलाना पड़ता है। तो अभी मैं अच्छा वो भी क्या करता है, कभी नमक मिर्ची ज़्यादा हो गई, कभी एक सा उसका भी कोई एक सा विकल्प नहीं है अभी। तो उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट में चालू करवाने जा रहा हूँ, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल वो मेरी सहयोगी है, जीवन इंस्टीट्यूट ग्वालियर वो मेरी सहयोगी है। तो ये मैं बहुत जल्दी इसको चालू करवाने जा रहा हूँ, और चूंकि हम लोगों के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है तो इन सबका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं जो कि मिठाई इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएगा और हमको सबको एक समय के अनुसार हमको एक प्रगतिशील बनाएगा। मतलब मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ में, आप अच्छा करें। इस शो के बारे में आपके क्या ख्याल है WMNC 2021? नहीं, ये शो अच्छा है और आगे भी हम मतलब FSNM और दूध डेयरी व्यवसाय एक ही के नाम ग्रुप है तो सब साथ में मिलकर काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो और आप हमारे साथ जुड़े रहें सालों सालों तक। थैंक यू सो मच।